साथियों, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो बहुत ही पॉजिटिविटी और उत्साह के साथ अपने लिए गोल्स तो तैयार कर लेते हैं पर उन्हें पूरा करना तो दूर, उनके लिए काम करना ही आप भूल जाते हैं। आखिर ये क्या है? कैसे हम उस चीज को हासिल करें जिसे हम चाहते हैं? ऐसा क्या है जो सफल लोग जानते हैं लेकिन हम नहीं? ब्रायन ट्रेसी, जो कि एक कैनेडियन अमेरिकन सेल्फ ऑथर और सेल्फ मोटिवेशन स्पीकर हैं, उनका आखिर ये क्यों मानना है कि जो भी हम सोचेंगे वो पाने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर अपने आप आ जाती है? आखिर कैसे सिर्फ कागज पर लिखने भर से हम अपनी हर विश को पूरा कर पाएंगे? अगर ये सवाल आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपको बहुत कुछ देकर जाने वाली है। चलिए शुरू करती हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ मोटिवेशन सखी और स्वागत है आपका अपने चैनल पर। साथियों, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम से मिलती रहे। साथियों, अर्न व्हाट यू आर रियली वर्थ, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड द साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट जैसी 80 से भी ज्यादा बुक्स लिखने वाले ब्रायन ट्रेसी आखिर ऐसा क्या बताते हैं जिसे सुनकर लाखों लोगों ने उस चीज को, उस मंजिल को पा लिया जिसे कि वो चाहते थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सफल इंसान बनने के लिए इंसान के पास सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? ट्रस्ट, बिलीव, विश्वास, यकीन। जी हाँ, इन शब्दों के बिना आप जिंदगी का एक भी कदम बढ़ा ही नहीं सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके जरिए हम यूनिवर्स से वो सब पा सकते हैं जो कि हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी पावरफुल चीज है जो आपको वो सब देगी जो आपको चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? आपको उस चीज को फील करना है। जी हाँ साथियों, ठीक वैसे ही फील करना है आप जैसे उस चीज को आप पा चुके हैं, जैसे आज आप वो महसूस कर रहे हैं कि ये चीज मेरे पास आ चुकी है। मान लीजिए, यहाँ मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ कि आपको एक गाड़ी चाहिए। आपको वो गाड़ी सड़क पर जहाँ कहीं भी दिखती है, आपका मन उसे खरीदने के लिए बेचैन हो जाता है। तो अभी जब वो गाड़ी आपके पास नहीं है तो आपको उसके ना होने की कमी महसूस होती है ना? लेकिन आप यूनिवर्स से अगर उसे मांगना चाहते हैं तो जरूरी है कि पहले आपको उसी हिसाब से चलना होगा जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल कहता है। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी कई बुक्स में इस बात का जिक्र भी किया है कि एक कागज और एक कलम आपकी हर एक इच्छा को पूरी करने की ताकत रखते हैं। जी हाँ साथियों, लेकिन कागज पर अपने विश को लिखते समय आपके अंदर उसे पाने की पूरी खुशी होनी चाहिए, आपके सेंसेस उसे उसी समय महसूस कर रहे हों। खुद के दिमाग में आप इस बात को बैठा लीजिए कि जब आप कागज पर उसे पाने के लिए लिख रहे हैं तो वो आपको मिल चुकी है, और यही वजह है कि लिखते समय आपको ये लिखना है कि मुझे मेरी फेवरेट कार मर्सिडीज या ऑडी मिल गई है, मैं यूनिवर्स का धन्यवाद कहता हूँ। खुद को वर्तमान में ही उस चीज के पाने की खुशी से रूबरू होने दीजिए साथियों, और वो भी पूरी ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि तभी आपकी बॉडी से ऐसी वाइब्रेशंस बाहर आएंगी जिन्हें यूनिवर्स समझ पाएगा और तभी वो चीज आपको पहुंचा पाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं। ब्रायन ट्रेसी की ऐसी ही अनेकों किताबें हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों, और आपकी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। समय मिले तो आप उनके बारे में जरूर पढ़िए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले आप इस चैनल और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उस विषय पर आपसे अवश्य बात करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग साथियों, फिर मिलती हूँ।